तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक के बारे में। सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.49% की यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज की तेज़ी से हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 136 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर देख लिया है। यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 141 का, यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट देख नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 146, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 158, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 166, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 179-183 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस वही, यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 136 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 131 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 127 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट, तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।